दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 24,600 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग मिल चुकी है। हालांकि दोस्तों कल के दिन मार्केट में हॉलीडे था और अभी भी मार्केट में 2 ट्रेडिंग आवर्स बचे हुए हैं, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे कोई गैप अप मार्केट में देखने के लिए मिले और 25,000 का जो राउंड नंबर है इसी वीक टच करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीक के लिए मैंने सिर्फ 2 ट्रेड का प्लान किया है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अब मैं बाइंग साइड दोस्तों स्टॉक्स चलेंगे भी तो मैं बायर साइड नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं प्लान करूंगा यहाँ पे कुछ मोमेंटम मिलता है अगर निफ्टी के अंदर और ये 25,000 तक पहुंच जाता है तो मैं फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाने वाला हूँ स्विंग ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों आज के दिन मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 2 स्टॉक सेलेक्ट किया है। पहला दोस्तों यहाँ पे यूनियन बैंक, ठीक है। यूनियन बैंक दोस्तों मैंने यहाँ पे बाय साइड रखा है। इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है और ट्रेड लेने के पीछे का एनालिसिस क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे यूनियन बैंक के चार्ट को अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो नीचे से काफी अच्छा कंटिन्यू मोमेंटम करता हुआ ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाया था अपना। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोस्तों ये कहीं कहीं एक लंबे टाइम तक के लिए करेक्शन मोड में गया था। अब ये करेक्शन दोस्तों कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये करीब करीब 425 रुपए से लेकर और दोस्तों ये जो लो बनाया था करीब करीब 22 रुपए तक का भी लो बना चुका है। अब इतने बड़े करेक्शन के बाद अगर कोई स्टॉक दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो ट्रेंडलाइन के ब्रेकआउट, दूसरा दोस्तों सिनारियो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है आरएसआई का सपोर्ट, तीसरा दोस्तों यहाँ पे हमको कंफर्मेशन 200 EMA का भी मिल रहा है, यानी 200 EMA भी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है और इसका नीचे दोस्तों एक प्रॉपर एक्यूरेट सपोर्ट मिल रहा है जो कि आसानी के साथ टूटना नहीं चाहिए। ये दोस्तों जो स्टॉप लॉस है हमारा 120 के आसपास है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा मेरे सेटअप पे ये चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भी ये करेक्शन दिया, करेक्शन के बाद जहाँ पे फ्लैट होने लगा उसके बाद की आप ग्रीन कलर की कैंडल्स को देखो दोस्तों, आप इस जोन में भी देखना जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स बनी उसके बाद थोड़ा साइडवे गया, फिर यहाँ पे देखेंगे 200 EMA को क्रॉस किया तो ग्रीन कैंडल्स को आप देखिए काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों यहाँ पे कहीं में कहीं जो बायर्स हैं कहीं में कहीं ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और इस पार्टिकुलर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पोजीशन डिलीवरी की बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अब यहाँ पर हम देखिए दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अभी भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के ऊपर स्ट्रांग 2 कलर की ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, 120 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में लॉन्ग करके चल सकते हैं। कहाँ तक, जब तक निफ्टी 25,000 के एक राउंड नंबर को टच नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक हम इस स्टॉक में लॉन्ग करके चल सकते हैं। अब ये टारगेट कितना देगा, हालांकि दोस्तों इसके टारगेट काफ़ी बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर 1:2, 1:3 का टारगेट 25,000 तक निफ्टी पहुंचता है तो इस स्टॉक में मिल जाने चाहिए। देखिए इसका रीजन यही है दोस्तों कि यहाँ पे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये वीकली आप देखेंगे ये ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट, 200 EMA का ब्रेकआउट, RSI का सपोर्ट, तो ये सारी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेड का एनालिसिस मैंने इस हिसाब से किया हुआ है। अब आप दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस समझ में आई होगी तो आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि आप कोई भी पोजीशन बनाओ मैं नहीं चाहता कि उसमें आप डायरेक्टली आंख बंद करके पैसा लगाओ। आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करो और अपने जो भी आपके एडवाइज़र हैं आप उनकी सलाह जरूर लेना। दोस्तों अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, दूसरा स्टॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा स्टॉक जो है ये है एक फार्मा इंडस्ट्री से। तो फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है ये है सन फार्मा। अब सन फार्मा में मैंने ऐसा क्या देखा कि इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो लगातार इस स्टॉक में नीचे से करीब करीब 1000 रुपीज़ के एरिए से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है लेकिन इस स्टॉक दोस्तों कहीं भी करेक्शन नहीं दिया है। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे
लगातार 1, 2, 3, 4, 5 5 पंथ से लगातार कंटिन्यू ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब ये अपने डबल टॉप के आसपास पहुंच चुका है। ये स्टॉक क्या है, अपने डबल टॉप के आसपास बनाता हुआ ऐसा सिनारियो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मैं आपको बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसलिए एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल पाए। देखेंगे तो पहली बार जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाया 1640 के आसपास, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, अगेन डबल टॉप जैसा पैटर्न बना रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से पैटर्न भी बन सकता है, ऊपर गया नीचे आया फिर डबल टॉप बना के एम जैसा पैटर्न भी बना सकता है। क्योंकि दोस्तों कहीं में कहीं जब भी कोई स्टॉक जाता है ऊपर तो उसको करेक्शन देते हुए और एक सपोर्ट फॉर्म करते हुए जाना चाहिए। जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे ये स्टॉक मोमेंटम किया है, इस हिसाब से दोस्तों इसमें एक करेक्शन बनता है। लेकिन ये करेक्शन हो सकता है कि आपको निफ्टी जैसे ही 25,000 के एक राउंड नंबर को टच करता है, ये आपको डबल टॉप का करेक्शन देखने के लिए इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। दोस्तों लास्ट टाइम जो कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने दिया था, जैसे कि बजाज ऑटो, एशियन पेंट, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स जो चले थे दोस्तों इंट्राडे के अंदर ही 200-250 पॉइंट का इनमें फॉल आ गया था, ये सब मैंने दोस्तों इन्हीं पैटर्न्स और इसी तरीके से एनालिसिस को देखते हुए दिया था। क्योंकि निफ्टी भी उस समय मैंने आपको बताया था कि हो सकता है निफ्टी अगर यहाँ से एक दिन दो दिन पॉज लेता, थोड़ा बहुत करेक्शन करता है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल जाने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन दोनों स्टॉक्स में पार्टिकुलर पोजिशन बनाने की। तो पहला स्टॉक यूनियन बैंक है दोस्तों, जिनमें मेरी स्विंग ट्रेड्स आज एक्टिव होने वाली है, और यहाँ पर मैं अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो दे दूंगा 2 से 3 रुपये 4 रुपये का, लेकिन मैं यहाँ पर 1:3 का मिनिमम टारगेट लेकर चलने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो निफ्टी 50 है ये मैं फोकस करके चल रहा हूं। इसमें जैसे ही ये एक राउंड नंबर को टच करता वैसे ही दोस्तों मैं यहां पे सन फार्मा के इस स्विंग ट्रेड में मैं सेल साइड एक्टिव हो जाऊंगा, और मैं टेलीग्राम में भी आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगा सो दैट कि आप लोग ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल डबल टॉप का फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बिल्कुल राडार में ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ से लेकर लगभग 60 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो डबल टॉप का फॉर्मेशन इस स्टॉक में कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैप करने के लिए 10-20 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ से काफ़ी अच्छा नीचे का करेक्शन करने का मूड भी इस स्टॉक मुझे देखने के लिए कहीं कहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से मैंने इस स्टॉक का भी एनालिसिस किया है, और दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है इस स्टॉक के पीछे, जो सेल साइड का मैंने पोजीशन बनाना चाहा है, तो ये सारी रीजन भी है। अब चलिए हम फिर मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग भी इन दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस जरूर कर लेना दोस्तों, ये मेरे स्विंग ट्रेड्स हैं इस वीक के लिए, और हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीक भी इनको कंटिन्यू कर सकता हूँ। इनके रिजल्ट्स जो भी होंगे मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में या फिर दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी, जो भी मेरी पोजीशन होगी, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।